हेलो फ्रेंड्स, अब आपको गोभी के पराठे बनाने के लिए गोभी घिसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक गोभी के पराठे बनाने की नई ट्रिक बताऊंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, बिना किसी झंझट के हम गोभी के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में हम 2 कटोरी आटा लेंगे। आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने पराठे आपको बनाने हो। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, जो हम अचार में डालते हैं वही कलौंजी है ये। और थोड़ा सा इसमें हम जीरा डालेंगे और इसी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो सबको मिक्स करके हम अच्छे से, तो इसका हम आटा लगा लेंगे। आटा हम ऐसे ही लगाना जैसे हम रोटियां बनाते वक्त लगाते हैं, तो ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट, तो बिल्कुल वैसा ही हमें लगाना है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, तो बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के हमने रेडी किया है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक गोभी ली है, उसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और गोभी के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और पल्स मोड पर इसको चलाएंगे, मतलब कि हम मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे और गोभी को बारीक पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। और ये देखिए, गोभी हमारी अच्छे से पीस चुकी है, बिल्कुल दानेदार सी हमारी जो गोभी है वो हो गई है, बिल्कुल ऐसी चाहिए हमें पराठे के लिए। तो इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारी गोभी को हम ऐसे ही पीस लेंगे। तो ये देखिए, सारी गोभी हमने अच्छे से पीस ली है और बिल्कुल दानेदार सी हमारी जो गोभी है वो पीस चुकी है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक से क्या होगा कि ये पानी छोड़ देगी। और इसको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं नमक डालकर। और ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं नमक डाले हुए। तो इसको हम निचोड़ लेंगे और इसका हमें सारा पानी निकाल देना है। अगर पानी इसमें रह गया तो ये हमारे पराठे जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो सारी गोभी को हम ऐसे ही निचोड़ लेंगे। और ये देखिए, गोभी में कितना पानी निकला है। तो इस सारी गोभी को हमने निचोड़ लिया। इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे और इसी में हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच मैंने लिया किचन किंग पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला फ्लेवर के लिए। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे। और यहाँ पर 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें लिए बारीक कट करके, वो भी इसमें डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप यहाँ पर अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसमें आप चाहे तो और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतने ही मसाले इसमें डाले हैं। तो ये देखिए, अच्छे से जो स्टफिंग हमारी वो तैयार हो गई है पराठे के लिए। तो यहाँ पर हमारे आटे को भी 10 मिनट हो चुके हैं गूंदे हुए, तो इसको भी हम देख लेंगे एक बार। और ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसकी हम लोई बनाएंगे। और ये देखिए, लोई हमने बना ली है। तो इसको हम सूखा आटा लगाएंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे। तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी हमें ये। तो देखिए, छोटी सी रोटी बनाकर हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच गोभी की स्टफिंग भरी है इसमें। आप अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना भर सकते हैं। तो इसको हम एक एक उठा के लेयर को और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से जो पराठा हमारा बंद हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको बंद करना है। तो ये बिल्कुल फटेगा नहीं और ना ही स्टफिंग हमारी बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे से हम इसको
बेलकर पराठा बना लेंगे इसका। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले बेलते हुए। तो यहाँ पर मैंने ना मोटा रखा पराठा ना ज़्यादा पतला रखा है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का बनाया है। तो यहाँ पर तवा हमारा गर्म हो चुका है, उस पर हम पराठे को अच्छे से सेक लेंगे और इस पर हम ऑयल लगाएंगे। और ये देखिए पराठे पे ऑयल लगा दिया, तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसमें ऑयल लगाएंगे। और बहुत ही अच्छा पराठा हमारा बना है, ये देखिए फूल चुका है बिल्कुल। तो इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ऐसे ही, ताकि जो पराठा है वो हमारा क्रिस्पी सा बने और अंदर तक पक जाए। तो इसको उलटते पलटते ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पराठा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो बिना किसी झंझट के ये पराठे हमारे बन जाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए पराठा हमारा पक चुका है, इसको हम उतार लेते हैं तवे से और ऐसे ही हम दूसरा पराठा बनाएंगे। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा सिक चुका है, इस पर भी हम ऑयल लगा देंगे और मीडियम आंच पे इसको भी पकाएंगे। तो सारे पराठे हम ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए सारे पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इनको मैंने दही के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसको किसी भी सब्जी वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब गोभी का सीज़न आ चुका है, तो पराठे बनाइए खाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये खाने में जितने टेस्टी है उतने ही बनाने में आसान भी हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए मैं आपको अंदर से स्टफिंग दिखा देती हूँ इसकी। और ये देखिए पराठा हमारा अंदर से कितना भरा हुआ बना है, एकदम अच्छे से स्टफिंग बनी है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।